हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई। तो बात करते हैं, आगे चलते हैं। जो अपने जगत भैया हैं यानी कि सचिन जी हैं, वो भी लाइव आए थे घंटा पहले। हम जब शूट कर रहे हैं उससे एक डेढ़ घंटा पहले, उन्होंने काफी चीजें बोली कि मैं वहां गया था, एक इवेंट था 5 तारीख को, मैंने वहां पर डिनर किया था। और उन्होंने एक बार भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि उन्होंने जो टाइटल डाला था कि रिज भोपाल आपको एक सरप्राइज मिलेगा, इस पे उन्होंने कोई भी क्लियरिफिकेशन सही सही नहीं दिया है। बातों को वो घुमाते हुए नजर आए हैं। आज ये नया चीज नहीं है, हमेशा से जब उनके ऊपर कोई इल्जाम लगता है या इनकी कोई चोरी पकड़ी जाती है तो इन ये बातों को घुमाते हुए नजर आते हैं। वही चीज उन्होंने लाइव आके किया। लाइव में लोगों के बहुत तीखे सवाल थे, जिनको लास्ट में इन्होंने 2-4 सवाल लिए, जिससे लोगों ने ये पूछा कि अभय शुभा ने आपको अनफॉलो क्यों किया, जिसके जवाब में ये क्लियर करते नहीं नजर आए कि इनके बीच में क्या हुआ है, लेकिन ये बताते हुए नजर आए कि वो तो आपस का बात है, उसमें जो है दीदी का कोई मतलब रोल नहीं है, और वो मैं उनका घरेलू मामला है, वो मुझे अनफॉलो करते हैं, मैं उनको अनफॉलो करता हूँ। जो एक दूसरे को बहुत मानते हैं, बिल्कुल पक्का बॉन्ड होता है, वो एक दूसरे के साथ इसी तरह झगड़ा करते हैं। तो भाई, मैंने तो ऐसा झगड़ा किसी में होते नहीं देखा है, एक दूसरे को अनफॉलो करो, ये करो, वो करो। अच्छा, फिलहाल मिलूंगा जब मैं, ये भी कहते नजर आए, जब मैं मिलूंगा मैं खोपड़ी तोड़ूंगा, मैं सुबह की दांत तोड़ूंगा और दोनों की टांग खिंचाई करूंगा, खोपड़ी खिंचाई करूंगा, इस तरह की चीजें वो बेफालतू की बोलते नजर आए हैं। साफ साफ उनको पता चल रहा था, उनके चेहरे से दिख रहा था कि काफी ज्यादा उनको ठेस पहुंची है, काफी ज्यादा उनके दिमाग में शॉक पहुंचा है कि हाय, बुलाया नहीं, सरप्राइज भी देने के लिए नहीं बुलाया है, पता नहीं कहां से चलता कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, जो कि आप लोगों को सब कुछ पता है। बात यह है कि हम ये नहीं कहते, हम किसी की शादी के भी वो नहीं करते हैं। बहुत अच्छा है किसी की शादी हो रही है, किसी का घर बस रहा है, बहुत अच्छा है। दूसरा कोई अपनी बीवी बच्चे पे ध्यान दे, हम लोग तो सिर्फ यही चाहते हैं। लेकिन रिएक्शन वाले तो बेफालतू के बदनाम है कि व्लॉगर्स की टांग खिंचाई करते हैं। व्लॉगर्स अपने जब अपनी टांग को खोल के जनता के सामने रख देते हैं तो फिर हम लोग को उसको उनको मतलब जो टांग है उसकी खिंचाई करने का काम सर पे आ जाता है। आप लोग समझ सकते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। इतना रायता फैला दिया जाता है, उसके बाद ये सोचा जाता है कि कोई कुछ बोले बिना। तो रिएक्शन चैनल वालों को वैसे भी राइट होता है कि वो हर गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि सोशल मीडिया है, बच्चे के भी हाथ में। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि बच्चों को फोन मत दो, जब ऑनलाइन पढ़ाई है, कोर्स सारे उस पे है, तो आप कैसे फोन नहीं देंगे छोटे से बच्चे के। आजकल तो आप लोग देख सकते हैं, मैं तोता और सारे गाने फोन पे बजाते हैं, तब बच्चे जो है खेलते कूदते हैं। आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी, कालू मदारी आया, अरे हमारे यहाँ भी यही है, कालू मदारी आया या मैं तोता कहीं चाहते आते हैं, मैं अकेले में भूल जाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, तो हम भी यही गुनाते हैं, मैं तोता। तो ये हाल है आज का जनरेशन का। आप मोबाइल अब ऐसी चीज हो गई, आप कम कर सकते हैं, यानी कि जो स्क्रीन टाइमिंग है आप कम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं। तो यही चीजें, क्योंकि उनके अपडेट्स भी व्हाट्सएप पे पेरेंट्स को अवेलेबल कराए जाते हैं स्कूल की तरफ से। तो अब जब इस तरह की चीजें दिखेंगी, जब इस तरह की बातें उड़ेंगी, तो हम लोग भी सवाल कर सकते हैं, हम लोग भी उस पर रिएक्शन दे सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो वही चीज सचिन को करते नजर आए हैं। काफी बेचारे बीमार दिख रहे थे, किस लिए इतने बीमार थे, अचानक से उनको कौन सा शॉक पहुंच गया है, क्या उनके अरमान जो है वो चकनाचूर हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा इस तरह से जैसे क्या हो गया है, और कौन से उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है जिस हिसाब से वो हॉस्पिटल हो गए और चीजें इधर से उधर हो गई हैं। अच्छा, फिर लोग कह रहे हैं कि लोग बातें बनाते हैं, लोग ये करते हैं, तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जहां बातें बननी होती हैं, जहां पर दिखाया जाता है कि इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि इन्होंने काफी चीजें दिखाई हैं, तो उस हिसाब से लोग बातें बनाने लगे, अगले को भी टारगेट करने लगे हैं। तो अगर ये चीजें नहीं दिखाते, इन्हीं की तरफ से हुआ है, बाकी और अगले की तरफ से हमें नहीं लगता कुछ हुआ है। तो अगर इन्होंने इस चीज को शो करने की कोशिश की और फिर अच्छे बनने की कोशिश कर ले जाते कि लोग हमारे लिए गलत बोलते हैं, फिर गलत बोलेंगे, फिर अभी तो इन्होंने अपनी वीडियो पे बोला है ना कि लोग बोलेंगे मजनू था, बीमार हो गया, मजनू था, शौक पड़ गया। तो ये चीजें तभी बोली जाएंगी जब आपने इस चीज को दिखाने की कोशिश की होगी, वरना ऐसे कोई गलत इल्जाम ऐसे रिश्तों पे नहीं उठाता है। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आप लोग की क्या राय है बताइएगा। अभी आप लोग ने अगर लाइव देखा होगा तो आप देखिएगा, काफी चीजें बोल रहे थे, इवेंट्स था इसलिए जाना जरूरी था, जिसमें वो पहले वो कर दिए थे, मतलब प्रॉमिस कर दिए थे आने के लिए। अच्छा, फिर लोगों ने पूछा कि आपको इन्वाइट क्यों नहीं किया।
जबकि अगले ने अपनी वीडियो पे बोला है कि क्यों इनवाइट करूं, क्या काम किया है ऐसा जो इनवाइट करूं, लेकिन इन्होंने झूठ बोला कि हाँ मुझे इनवाइट किया था, मुझे तो पर्सनली और बहुत अच्छे से इनवाइट किया था कि सरप्राइज ही देख, तुम तो सरप्राइज देने में माहिर हो, सरप्राइज देने ही आ जाना। इवन नए जो होने वाले जीजू हैं आप लोग के होने वाले, उन सब भी अच्छी बॉन्डिंग है, भाई भाभी से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सारी चीजें इन्होंने ये चीजें क्लैरिफिकेशन देने की अपने लाइफ पे कोशिश की जो कि नाकामयाब रही। बाकी आप लोग खुद समझदार है, आप लोग ने खुद उनकी लाइफ पे नीचे कमेंट्स देख लिए होंगे, सब चीज समझ ली होगी और मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे कि अभी तक बनर्जी दी आई क्यों नहीं। तो मैं बहुत व्यस्त थी, त्योहार में बहुत ज्यादा व्यस्त थी, टाइम बिल्कुल भी नहीं था वीडियो बनाने का। अब टाइम मिला है तो मैं एक्टिव हो रही हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ना तो मैं किसी के खिलाफ हूँ, ना तो मैं किसी के लिए नेगेटिव बोल रही हूँ, लेकिन जो मैं देख रही हूँ सुन रही हूँ मैं उस पर अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। मिलते हैं।